गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस होम और किचन गार्डन। ठीक है, किचन गार्डन क्या क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रिंसिपल है, बेनिफिट है, वो आज अपने डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स नियर बाय द होम एंड बैक यार्ड ऑफ द हाउस टू प्रोड्यूस द वेजिटेबल फॉर द फैमिली थ्रू आउट द ईयर इज यूजली टर्म एज होम और किचन गार्डन। ठीक है, घर के आसपास कोई खाली ज़मीन पड़ी है या फिर तुम ये कह सकते हो कि वेजिटेबल्स जो है अपने घर के पीछे वाली ज़मीन पे या आसपास खाली पड़ी ज़मीन में सब्जियां, ताज़ी सब्जियां उगाना, पूरे साल हमें अच्छे से सब्जियां अवेलेबल हो जाएं, उसको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे हम होम या किचन गार्डन। ठीक है, छोटी सी टर्म है। द साइज ऑफ द किचन गार्डन डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइज ऑफ द फैमिली। ठीक है, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितने आपकी फैमिली में मेम्बर हैं उसके हिसाब से तुम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। द इंटेंसिव कल्टिवेशन इज डॉक्ट फॉर द किचन गार्डन टू प्रोड्यूस फ्रेश वेजिटेबल ईयर राउंड। ठीक है, साल भर क्या ऐसी इंटेंसिव कल्टिवेशन करते हैं कि साल भर हमें ताज़ी सब्जियां मिलती रहें। ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या हैं इसके, पपाया, बनाना, ग्रेप्स, लाइम, करौंदा आर सूटेबल फ्रूट ट्रीज फॉर किचन गार्डन। तो ये सारे छोटे ट्रीज जो हैं ये भी तुम लगा सकते हो किसमें, किचन गार्डन में। मैं इसका पूरा लेआउट भी दिखा दूंगा तुम्हें एंड में। द पेरेंटियल एंड फ्रूट प्लांट्स लाइक पपाया, लेमन, लाइम, करौंदा शुड बी ग्रोन ऑन द नॉर्थ साइड। ठीक है, जहां आप किचन गार्डन बनाओगे उसके नॉर्थ साइड में आपको इसको लगाना है ऑफ द गार्डन टू अवॉइड द शेड इफेक्ट ऑन अदर क्रॉप। ताकि क्या है, नॉर्थ में इसीलिए लगाते हैं ताकि इसका जो शेड इफेक्ट है इन ट्रीज़ का किसी और ट्रीज़ पर या और फ्रूट्स पर ना पड़े। वेजिटेबल्स, कुकर बीट और बीन्स हैं शुड बी ग्रोन अराउंड द बॉर्डर एंड अलाउ टू सेपरेट इन द फेंस। ठीक है, कुकर बिटेसी का मतलब जानते हो, कद्दू वगैरह है, ककड़ी वगैरह है, ये सारे क्या बॉर्डर पर लगाते हैं। ठीक है, ये बेल वाली फसलें हैं तो इनको बॉर्डर पर ही लगाया जाता है ताकि इनसे जो बाढ़ क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट है अपना द रूट क्रॉप रेडिश टर्निप है कैरेट शुड बी रेज्ड ऑन द रिज। रिज का कहते हैं मेड को, तो मेड के ऊपर इनको लगाना चाहिए, मूली है, टर्निप है, गाजर। द लैंड शुड बी नॉट बी लेफ्ट वैकेंट एंड इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन शुड बी फॉलोड विद द सक्सेसिव और कंपैशन क्रॉप। ठीक है, लैंड क्या है, वैकेंट नहीं छोड़ा जाता, वैकेंट का मतलब खाली नहीं छोड़ा जाएगा, इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन उसके अंदर किया जाएगा। द प्रॉपर क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलोड इन द सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। और क्या है, क्रॉप रोटेशन को फॉलो किया जाएगा, मतलब इस साल जो क्रॉप लगाई है नेक्स्ट ईयर वो नहीं लगाई जाएगी। देयर शुड ए प्रोविजन टू कंपोस्ट पिट इन द कॉर्नर ऑफ द किचन गार्डन। जैसे अपनों ने किचन गार्डन कंपोस्ट पिट बनाया है वैसे ही कंपोस्ट पिट अपने बनाना है। जैसे अपने स्कूल के अंदर कंपोस्ट पिट बनाते हैं तो किचन गार्डन के कॉर्नर पर भी कंपोस्ट पिट बनाते हैं। द स्टॉकिंग वेराइटी ऑफ वेजिटेबल शुड बी प्रिफर्ड फॉर किचन गार्डनिंग। ठीक है, स्टॉकिंग वेराइटी का मतलब क्या है, कुछ वेराइटीज़ को अपने वेजिटेबल की वेराइटी को प्रीफर करते हैं किचन गार्डनिंग के अंदर। ठीक है, किचन गार्डनिंग के अंदर हम कुछ वेराइटी को प्रीफर करते हैं। द प्रॉपर प्लानिंग इंक्लूडिंग ए सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल टाइप एंड इट्स वेराइटीज शुड बी डन बिफोर सोइंग टू इंश्योर ए कंटिन्यू सप्लाई फॉर फ्रेश वेजिटेबल फुल ऑफ न्यूट्रिएंट विदाउट गल्ट। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि वेजिटेबल कौन से टाइप की लगानी है, कौन सी अपने खा सकते हैं और कौन सी फ्रेश रहेंगी और जो हमारी न्यूट्रिएंट की को भी फुलफिल कर सकें। ठीक है, और फॉर 5 to 6 meter ऑफ मेम्बर ऑफ फैमिली नीड 250 to 300 meters के एरिया इन किचन गार्डनिंग। अगर 5-6 मेम्बर है तो 250 से 300 मेम्बर चाहिए किचन गार्डनिंग के अंदर। ठीक है, 250 से 300 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए उसकी पूरी पर फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट की बात करें अपने, मैक्सिमम एरिया कवर टू किचन गार्डनिंग फ्रॉम लीफी वेजिटेबल से मैक्सिमम एरिया क्या है, कवर अप होना चाहिए, मैक्सिमम एरिया इसी से कवर होगा। और क्या है, और तुम्हारे अंडर फ्रूट ट्री शुड बी प्लांट शेड लविंग प्लांट लाइक जिंजर एंड टर्मेरिक, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आम्रपाली वेराइटी ऑफ मैंगो और पूसा नन्ना वेराइटी ऑफ पपाया आर सूटेबल फॉर किचन गार्डनिंग। आम्रपाली है मैंगो की वेराइटी और पूसा नन्ना है, इन दोनों वेराइटियों को भी तुम यूज़ कर सकते हो। एडवांटेज और क्या क्या है, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज टू फैमिली मेम्बर। ठीक है, अब रिक्रिएशन करने की अपने अपॉर्चुनिटी मिलती है और फैमिली मेम्बर के एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है, नॉलेज इंप्रूव हो जाता है फैमिली मेम्बर्स का वेजिटेबल प्रोडक्शन कैसे होता है, आइडिया आ जाता है टू कन्वर्ट लेज्योर टाइम इंटू यील्ड। ठीक है, जो अपने वेस्ट टाइम है उसको अपने
ये उपज बनाने में अपने यूज कर सकते हैं। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फ्रेश वेजिटेबल एंड कटिंग डाउन द एक्सपेंडिचर और परचेज ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, तो लिविंग बाय न्यूट्रिशियस, तो न्यूट्रिशियस फ्रेश वेजिटेबल अपने उगाते हैं और उसका जो एक्सपेंडिचर है जो अपने बाहर से जो खरीदते हैं वो भी कम हो जाता है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग टू गेट पेस्टिसाइड फ्री, पेस्टिसाइड तुम्हें मिल जाती हैं वेजिटेबल्स। हेल्दी ग्रीन इन्वायरमेंट होता है होम के अंदर। इट प्रोवाइड बेटर प्रेशर सेटिस्फैक्शन एंड रिलायबिलिटी ड्यूरिंग ईटिंग ऑफ मील। ठीक है, तो एक जो ऑर्गेनिक सब्जियां तुम खाओगे घर पर उगाई, उससे क्या एक सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा। द फैमिली कैन मीट द सडन रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल, और फैमिली की जो सडन रिक्वायरमेंट होती है वेजिटेबल्स की वो भी क्या है कंप्लीट हो जाती है। तो ये बच्चों इसका लेआउट है, लेआउट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये इसका लेआउट है तुम्हारा किचन गार्डनिंग का। ठीक है, जैसे ड्रम स्टिक्स वगैरह लगा सकते हो फर्स्ट रो में, फिर मैंगो वगैरह लगा सकते हो, जिंजर लगा सकते हो, थर्ड में पपाया बनाना इन चीज़ों को लगा सकते हो। ठीक है, कॉर्नर पर क्या है अपने एक वाटर चैनल छोड़ेंगे जिससे क्या है वाटर नाली होगी, साइड में अपने कंपोस्ट पिट भी बना देंगे, और होगा क्या इधर ओकरा ब्रिंजल्स वगैरह लगा सकते हो तुम, थ्री लाइनें बनाएंगे, और इधर मेज़ है मिर्च वगैरह तुम्हारी, वो चीज़ें तुम लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम किचन गार्डनिंग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आगे अपने फिलिंग द ब्लैंक्स इसके ही कर लेते हैं, इस लेसन के क्या क्या फिलिंग द ब्लैंक्स है। एरिया रिक्वायरमेंट इन किचन गार्डन फॉर सिंगल मेंबर फॉर फैमिली, सिंगल मेंबर फैमिली के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, सिंगल मेंबर है तो। ठीक है, तो एक मेंबर के लिए 50 मीटर स्क्वायर एरिया सफिशिएंट रहता है। विच इज़ लीडिंग कंट्री इन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन, तो लिविंग कंट्री कौन है, लीडिंग कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो अल्बर्ट होवार्ड को अपने कहेंगे फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग टर्म किसने दी थी, किसने दी थी टर्म, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थबोर ने दी थी मेनली। और विच वन इज़ डिक्लेयर एज ए ऑर्गेनिक स्टेट, कौन सा ऑर्गेनिक स्टेट है, तो सिक्किम क्या है ऑर्गेनिक स्टेट है। ये बाकी सारे क्वेश्चन क्या है ये तुम्हारे कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर को अपने कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, स्टे होम स्टे सेफ।